वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ एसिम्प्टोट। सो इन दिस लेक्चर आई विल ट्राई टू कंप्लीट द कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ एसिम्प्टोट। सो बिकॉज इट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। ऑल द कर्व ट्रेसिंग, ऑल द कर्वेचर, ऑल द क्वाड्रेचर, ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड ऑन एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट को बहुत अच्छे से समझेंगे हम आज, और मैं बहुत ही कम टाइम में पूरे एसिम्प्टोट को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, व्हाट इज द एसिम्प्टोट एंड हाउ वी कैन ड्रा द एसिम्प्टोट्स एंड हाउ इट इज यूजफुल टू ट्रेस अ कर्व, हाउ इट इज यूजफुल टू ड्रा अ कर्व। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द एसिम्प्टोट एक्चुअली। तो एसिम्प्टोट होता क्या है दोस्तों? एसिम्प्टोट हम उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं जो किसी कर्व के साथ साथ चलती है। बिल्कुल सिंपल मीनिंग में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी रोड पे ना कोई कार ड्राइव कर रहे हैं और आप बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो रोड और जो स्काई है, जो आकाश है, वो आपस में कभी ना कभी मिल रहे हैं। एक लाइन हमें दिखती है ऐसी कि वो रोड और आकाश मिल रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो जो लगना है ना, वही एसिम्प्टोट है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दो दो लाइनें, दो कर्व हमें लगेगा कभी ना कभी जाके ये इनफाइनिट पे मीट करेंगी, बट वो कभी मीट नहीं करती। तो ऐसी लाइन को ही हम एसिम्प्टोट लाइन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ड्रा किया है। तो मान लो मैं यहाँ पे ना कोई कर्व ड्रा करता हूँ कुछ ऐसे वाला, तो वो कर्व मान लो ऐसा है, तो ये कर्व यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के करीब होता चला जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के करीब होता जा रहा है, बट ये मीट नहीं कर रहा धीरे धीरे धीरे, बट ये एक टाइम पे इसके पैरेलल चलना शुरू कर देगा। तो इसने पैरेलल चलना शुरू कर दिया बट इसको मीट नहीं किया। तो इस लाइन को, ये तो कर्व है, ये मेरा कर्व है। ओके, दिस इज कर्व, दिस इज लाइन ऑफ कर्व। तो ये कर्व इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल चलते चले जा रहा है, और ये कहां तक जाएगा? अप टू इनफाइनिट तक। तो मैं कहूंगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि कौन सी स्ट्रेट लाइन, ये जो आपकी एक्स एक्सिस की स्ट्रेट लाइन है, दिस वन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका रोल प्ले कर रही है किसका? एसिम्प्टोट का। तो दिस लाइन इज लुक लाइक अ एसिम्प्टोट। तो इसको मैं बोल दूंगा कि ये मेरा इस कर्व के रिगार्डिंग एक एसिम्प्टोट है। यानी कि आपका जो एसिम्प्टोट होता है दोस्तों, वो किसी कर्व का होता है, यानी कि वो आपको बताता है कि इस लाइन को क्रॉस कभी नहीं करेगा कर्व, इस लाइन के हमेशा पैरेलल चलेगा। तो यानी कि एक एस्पेक्ट हमें पता चल जाता है, एक उस कर्व का नेचर पता चल जाता है एसिम्प्टोट पता होने से। ओके, तो ऐसे इसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ली, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। आई होप सो दैट एवरी बडी इज फैमिलियर विद दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो सी, इस y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के अगर हम पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने अगर x टेंस टू 0 किया, यानी कि x को 0 पुट किया, तो इन द सेंस y टेंस टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, मैं राइट? और अगर आप y टेंस टू 0 करते हो दोस्तों, तो x टेंस टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा इन दिस इक्वेशन। तो मैथ में जो भी इक्वेशन लिखी जाती है, जो भी फंक्शन होता है, वो कोई ना कोई कर्व को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, ये भी किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसके अब एसिम्प्टोट की बात हो रही है, इसके इसका कर्व कैसे बनेगा और इसका एसिम्प्टोट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा y एक्सिस है और ये हो गया मेरा x एक्सिस। तो इससे मुझे एक कर्व ड्रा करना है जो किसका है? y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का। तो इसके एसिम्प्टोट क्या होंगे? तो भाई y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के लिए अगर मुझे एसिम्प्टोट बताने हैं, तो देखो एसिम्प्टोट एक्चुअली क्या कहता है। एसिम्प्टोट होते हैं दो टाइप के, एक होरिजेंटल, एक वर्टिकल, ऑब्लिक भी होते हैं, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एसिम्प्टोट है क्या, कौन सी स्ट्रेट लाइन को एसिम्प्टोट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि x टेंस टू 0, y टेंस टू इनफाइनाइट। दोस्तों अब देखो, x तो 0 हो और y इनफाइनाइट हो, ऐसी कोई लाइन, यानी कि x 0 कहाँ पे होगा? इस लाइन पे x 0 होगा। और ये कहता है जब x 0 होगा तो y इनफाइनाइट होगा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि y तो कभी मीट हो, मतलब y टेंस टू इनफाइनाइट है, तो ये यानी कि ये तो चलता चला जाएगा ना, कभी फिनिश नहीं होने वाला। और ऐसा ही दूसरे पॉइंट में बोल दिया गया कि जी जब आपका x टेंस टू इनफाइनाइट है तो y 0, यानी कि y 0 कब होगा? इस लाइन पे।
तो यानी कि ये जो कर्व है ना, तो इस लाइन को कभी मीट करेगा ना ही कभी इस लाइन को मीट करेगा। तो ये जो है ना, ये दो इसके क्या हो गए, एसम्प्टोट हो गए। एक होरिजेंटल भी होगा, एक वर्टिकल भी होगा, यानी कि ये भी एसम्प्टोट है और इस कर्व के लिए, और ये भी आपका एसम्प्टोट है। दो एसम्प्टोट हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं। ओके, तो एसम्प्टोट एक लाइन है जो कर्व के साथ साथ चलती है बट उसको कभी मीट नहीं करती। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि एसम्प्टोट होते कौन कौन से टाइप के हैं दोस्तों। तो एसम्प्टोट होते हैं हमारे पास होरिजेंटल एंड वर्टिकल एसम्प्टोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको समझते हैं, होरिजेंटल और वर्टिकल एसम्प्टोट एक्चुअली क्या होते हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट इज होरिजेंटल एंड द वर्टिकल एसम्प्टोट, क्योंकि अभी तक हमने इन्हीं की ही बात की है, होरिजेंटल एंड वर्टिकल एसम्प्टोट की। होरिजेंटल कौन सा होता है और वर्टिकल कौन सा होता है? तो देखो दोस्तों, होरिजेंटल और वर्टिकल एसम्प्टोट वो होते हैं जो आपकी कोऑर्डिनेटेड एक्सिस के पैरेलल होते हैं। जैसे मान लीजिए, और अभी तक जो मैंने दो एसम्प्टोट आपको शो किए हैं वो दोनों होरिजेंटल और वर्टिकल एसम्प्टोट ही थे और कुछ नहीं थे, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यू नो कि ये इसको आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी तो बोलते हो इसको आप, वर्टिकल एक्सिस। और ये आपका क्या होता है, होरिजोंटल एक्सिस भी होता है, होरिजोंटल एक्सिस, एम आई राइट? तो इसका मतलब जो एसम्प्टोट मेरा ऐसे होगा वो होरिजोंटल होगा, और जो एसम्प्टोट मेरा ऐसे होगा वो वर्टिकल एसम्प्टोट होगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल से एसम्प्टोट को ड्रा कर देता हूँ कि मान लीजिए आपने आपका कोई एसम्प्टोट इस लाइन के पैरेलल चलता है, मान लीजिए ऐसे चलता है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, वर्टिकल। और कोई एसम्प्टोट अगर आपका इस लाइन के पैरेलल की बजाय इस लाइन के पैरेलल चलता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको क्या बोल दोगे आप, होरिजेंटल एसम्प्टोट बोल दोगे। तो यही, इसको ही होरिजेंटल और वर्टिकल एसम्प्टोट के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, होरिजेंटल एसम्प्टोट आ गया, और ये वाला एसम्प्टोट क्या है आपका, वर्टिकल एसम्प्टोट है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है और ये होरिजेंटल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। अब ये क्यों है, कैसे हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब देखो, मान लीजिए कोई कर्व था और वो कर्व, मैं अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो कर्व मान लीजिए, जैसे पहले ही क्वेश्चन हमने किया था, तो वो कर्व कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये कर्व है आपका वाइट लाइन, तो ये कर्व यहाँ ड्रा हुआ, तो इस कर्व के रिस्पेक्ट में ये भी इसका एसम्प्टोट है और इस कर्व के रिस्पेक्ट में ये भी इसका एसम्प्टोट है। तो ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये तो आपका वर्टिकल एसम्प्टोट हो गया, और ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है ये आपका होरिजेंटल एसम्प्टोट हो गया। इसको ही वर्टिकल और होरिजेंटल एसम्प्टोट के नाम से हम जानते हैं। अब बात ये आती कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन कराता हूं मैं आपको। तो एसम्प्टोट आपके माइंड में सबसे पहली बात तो यानी जी कि एसम्प्टोट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन जो है वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है, एक लाइन वाई इज इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं होरिजोंटल एसम्प्टोट, ठीक है, इज कॉल्ड होरिजोंटल एसम्प्टोट। इसको ही होरिजोंटल एसम्प्टोट बोलते हैं हम। कब, किसके लिए? पहली बात तो फॉर अ फंक्शन, एक मेरे पास कर्व होना चाहिए, और कर्व क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो वो हो सकता है कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो होगा क्या दोस्तों, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट किसके लिए, f ऑफ x के लिए, और दैट मस्ट बी इक्वल टू b। ओके, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने x टेंस टू इनफाइनाइट किया और एफ एक्स इज इक्वल टू बी आया, यानी कि एक टाइप से एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो वाई, एफ एक्स का मतलब वाई तो है, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एंड वाई इज इक्वल टू बी, मतलब क्या है कि एक एक्स इनफाइनाइट करने से वाई की फाइनाइट वैल्यू आ रही है, और वाई की इनफाइनाइट करूं तो एक्स की फाइनाइट आए, तो इसी को तो एसम्प्टोट बोलते हैं। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कह रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू बी हो, y इज इक्वल टू बी, ध्यान देना y की वैल्यू b, यानी कि ये रहा y इज इक्वल टू बी, इसको y इज इक्वल टू बी बोल सकते हैं। तो y को b पे कट करे ऐसा एसम्प्टोट, दैट्स ऑल। अब x के लिए जो दूसरा है इसको होरिजेंटल बोला ना, अब दूसरे को क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल एसम्प्टोट, और वो क्या है, रेड लाइन वाला, उसमें क्या हो रहा है, एक लाइन जो कह रहा है कि x इज इक्वल टू a हो सकता है, और इसमें क्या होगा, लिमिट
इसमें आप देखो y टेंस टू इनफाइनाइट करोगे, ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, a, यानी कि x को किस पे कट कर रहा है ये, x इज इक्वल टू a, तो यानी कि एक वैल्यू आनी चाहिए, चाहे वो x की अगर आ रही है उस पे कट करके एसिम्प्टोट जा रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है कैसा होगा, वर्टिकल होगा, y को कट करके जा रहा है तो वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आपको बिल्कुल क्लियरेंस हो जाएगी कि क्या मतलब था इस पूरी कहानी का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलिए मान लीजिए मेरे पास, हियर आई एम टेकिंग अप एन एग्जांपल, थोड़ा फास्ट करेंगे और एग्जांपल में मान लेता हूं कि मेरे पास एक कर्व है एंड दैट कर्व इज गिवन टू यू, y इज इक्वल टू टू ऑफ x प्लस वन डिवाइड बाई x माइनस वन। तो आपको क्या है इसका एसिम्प्टोट ढूंढ के लाना है कि इसका एसिम्प्टोट क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो कर्व है वो कैसा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस वन एंड डिवाइड बाई x माइनस वन। तो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि x की किस वैल्यू पे जो ये कर्व है वो y की फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेता हूँ मैं, क्या करते हैं x कॉमन ले लो, जैसे x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस वन बाई x, नीचे से भी x को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस वन बाई x, ठीक है। अब ये y है, इस y में मैं लिमिट लेता हूँ x टेंस टू इनफाइनाइट, ओके, इस y के लिए, और मैंने क्या कहा था फाइनाइट आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे x को इनफाइनाइट ले रहे हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि x को क्या कर लो, इनफाइनाइट कर ले, जैसे आपने x को इनफाइनाइट किया तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस जीरो डिवाइड बाई 1 माइनस जीरो, और आंसर कितना आया, 2, एम राइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस फंक्शन में जब x टेंस टू इनफाइनाइट हो रहा है तो y टेंस टू कितना जा रहा है, y टेंस टू जा रहा है 2, और ये चीज़ ही हमें एसिम्प्टोट तक लेके जाती है, एक फाइनाइट हो दूसरा क्या आ जाए इनफाइनाइट, इसका मतलब कि एसिम्प्टोट मिल गया। अब यहाँ से मिल गया, अब दूसरी बात क्या करते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं कि इसका एक एसिम्प्टोट होगा, हो सकता है एक और एसिम्प्टोट हो, तो उसके लिए क्या करो, यही जो इक्वेशन है वाई वाली, इसको कन्वर्ट करो एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप सो कि आप इजिली कर लेंगे इसको, यानी कि इसको एक्स की फॉर्म में, जैसे ये लिखा हुआ तो इसको आप क्या करेंगे, वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा x को कॉमन लेना आपको, तो वाई एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई, एंड देन यू गॉट अ एक्स हेयर एंड y माइनस टू इज इक्वल टू वन प्लस वाई, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली और ये मिली आपको वन प्लस वाई एंड डिवाइड बाय y माइनस टू, एम राइट है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, फिर से आप क्या करो, y को कॉमन ले लो, तो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा वन बाई वाई प्लस वन, और नीचे से भी वाई को कॉमन लिया तो वन माइनस टू बाई वाई। अब यहाँ से जैसे ही आप क्या करेंगे, वाई टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो आपको एक्स टेंस टू क्या मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो एक्स टेंस टू मिलेगा वन, एम राइट है। तो ये आपको एसिम्प्टोट मिल गया एक, ये वाला। अब बात आती है कि इसको सर ड्रा कैसे करें, देखो एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वाई टू पे कट करेगा, वाई टेंस टू इनफाइनाइट एक्स इज इक्वल टू वन पे कट करेगा, और ये यही कर्व है जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। यानी कि आपका क्या है, x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू वन पे कट कर रहा है, और y इज इक्वल टू किस पे कट कर रहा है दोस्तों, y इज इक्वल टू टू पे कट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू टू पे कट करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना स्ट्रेट लाइन को ही हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, तो y इज इक्वल टू टू पे कट करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन एसिम्प्टोट होगी, और x इज इक्वल टू वन पे कट करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन भी एसिम्प्टोट होगी। अब बात आती है कि कर्व कैसा बनेगा, देखो कर्व बनाना वो एक अलग मेथड है, वो आपको अलग से सिखाऊंगा, फिलहाल हम एसिम्प्टोट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एसिम्प्टोट से ही कर्व ड्रा होते हैं। तो ये हमने एसिम्प्टोट फाइंड आउट की, ओके। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास कर्व है इस बार y इज इक्वल टू वन प्लस ई रेज टू पावर x। अब ई रेज टू पावर x के लिए सारे फैमिली रहे कि ई रेज टू पावर x का कर्व कैसा बनता है। देखो अगर किसी का कर्व आपको आपको पता है कि कर्व कैसा बनता है तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने एक लेक्चर स्पेशल बना रखा है जिसमें सिर्फ आपको ये बताया कि कौन से कर्व, किसी भी फंक्शन का कर्व कितनी इजीली, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी का भी लेक्चर बना रखा है, आप इजीली देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब क्या है, देखो वाई इज इक्वल टू वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स,
तो अब सबसे पहले देखो कि मैं x की क्या वैल्यू लूँ कि मेरा y इनफाइनाइट आ जाए, या फिर x की क्या वैल्यू लूँ कि y फाइनाइट आ जाए। ओके, तो अगर देखो मैं x को इनफाइनाइट लेता हूँ तो y भी क्या आएगा, y भी इनफाइनाइट आ रहा है। एक एक को फाइनाइट एक इनफाइनाइट आना चाहिए, तो दोनों इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो ये तो बात नहीं बनेगी। तो फिर अगर मैं x को लेता हूँ दोस्तों माइनस इनफाइनाइट, ध्यान देना x को क्या ले रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट, तो इस केस में ना y क्या आ रहेगा, ये तो माइनस इनफाइनाइट होता ही ये तो जीरो हो जाएगा ना, और y टेंस टू क्या आ जाएगा, y टेंस टू वन आ जाएगा। तो ये तो एक अच्छी सी बात मुझे मिल रही है यहाँ से। ओके, और इसके सिवा मुझे लगता नहीं है कि और कोई भी मुझे एसम्प्टोट मिलने वाला है। तो यानी कि y इज इक्वल टू वन कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाए तो आप समझो कि हमारा ऑलमोस्ट काम बन गया, क्योंकि ये y इज इक्वल टू वन पे जो लाइन होगी वही आपकी एसम्प्टोट की लाइन बनने वाली है। तो जल्दी से वो लाइन ड्रा कर दीजिए, ये रही मेरी y इज इक्वल टू वन वाली लाइन, और ये लाइन क्या है, एसम्प्टोट है। और जो एसम्प्टोट की लाइन होती है ना, आप श्योर हो जाओ कि उसको कर्व कभी कट नहीं करेगा। गेटिंग योर पॉइंट, इस लाइन को कर्व कभी कट नहीं करेगा, जो भी कर्व होगा वो इसके पैरेलल चलेगा। अब बात आती है कि सर पैरेलल किधर चलेगा, तो ये आपको बता रहा है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, यानी कि ये एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट यही होगा, इधर ही जाने वाला ना, तो ये जो कर्व है इधर मूव करेगा, इसके साथ साथ चलेगा। तो ये और आइडिया मिल गया हमें, तो ये तो हम वैसे ही श्योर थे इस बात के लिए कि जी जो वाई एक्सिस का कर्व होता है वैसे भी ऐसे ही चलता है वो। एम आई राइट, यही होता है वाई एक्सिस का कर्व। तो ये अब कैसे चलेगा, इसके साथ साथ चलेगा। तो ये कर्व है आपका और ये आपका एसम्प्टोट आ गया। अब कर्व कहां से कट करके जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कर्व कट करेगा किससे, 0.2 पॉइंट पे। हमारा 0.2 पॉइंट पे कैसे, देखो अगर आप x की वैल्यू लेते हो 0 तो y क्या आएगा, x 0 लिया तो e की पावर 0 1, और 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये जो कॉमन पॉइंट आया x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, इस पर कर्व कट करेगा। तो ये रहा 0.2 पॉइंट, इस पर कर्व कट के जा रहा है। और मेन बात थी एसम्प्टोट ढूंढना, तो एसम्प्टोट हमने इजिली ढूंढ लिया। अब दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है, हम कुछ क्वेश्चंस में तो इजीली वैल्यू पुट करके एसम्प्टोट ढूंढ पा रहे हैं, बट हर क्वेश्चन में इतना इजी नहीं होता। और जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें देखिए आपको कर्व दे रखा है वाई इज इक्वल टू टू ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये कर्व है। मुझे इसके लिए एसम्प्टोट ढूंढने हैं, तो अब मैं अपना आपको दो मेथड बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपका जो कंसेप्ट है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहला मेथड है दोस्तों, पहला मेथड वही है जो हम अभी तक बात करते आ चुके हैं, बिल्कुल वही मेथड। ओके, तो पहले मेथड में क्या बताया गया, यह है मेथड फर्स्ट। इसमें तो आपको सिंपल वही काम करना है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, यानी कि आपको वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने के लिए देखो y इज इक्वल टू टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करें कि x की किस वैल्यू को लें कि y फाइनाइट आए, या y की किस वैल्यू को लें कि x फाइनाइट आए। तो अब आपके पास है y इज इक्वल टू टू ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू को 2 रखूँगा या फिर माइनस 2 रखूँगा, यहाँ पे 2 रखूँ या माइनस 2 रखूँ, तो ये नीचे जीरो बन जाएगा, जीरो बनते ही वाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को टेंस टू करेगा। तो वाई क्या करेगा, वाई चला जाएगा इनफाइनाइट पे। तो यानी कि दो किसी एक्स फाइनाइट है तो वाई इनफाइनाइट आ गया, तो मेरे पास एसम्प्टोट आ गया, है ना। तो एसम्प्टोट को आप जल्दी से यहाँ ड्रा भी कर लेते हैं। तो देखो ओके, ये है मेरे पास x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो सबसे पहले क्या मिला आपको, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू माइनस टू पे एसम्प्टोट है, ठीक है। तो कहीं मान लेते हैं भाई ये होगा माइनस टू x इज इक्वल टू, और ये होगा x इज इक्वल टू टू, तो इन दोनों पे एसम्प्टोट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इजीली लाइन ड्रा कर सकते हैं एसम्प्टोट वाली। तो लाइन ड्रा कर दीजिए, एक तो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस टू पे, और एक लाइन होगी हमारी कहाँ पे, x इज इक्वल टू टू पे।
ये दो लाइनें हमारी एसिम्प्टोट की हमें अब तक मिली हैं, ठीक है, जो कि बहुत इजी वाले मेथड से हमें मिल चुकी हैं। अब कर्व कैसा होगा वो एक अलग मैटर है। ओके, कर्व देखो, कर्व निकालने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको। आपको इनका ओरिजिन ढूंढना पड़ता है, आपको इनका कर्वेचर ढूंढना पड़ता है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं, तो उससे कर्व ट्रेस होता है। तो अगर कर्व ट्रेसिंग फिलहाल मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ एसिम्प्टोट की बात बता रहा हूँ। हाँ, इसमें अगर आप चाहते हो कि कर्व कैसा होगा, कर्व की शेप कैसी होगी, तो वो भी आप ढूंढ सकते हो। देखो कितना ईजी है वो भी ढूंढना। देखो, अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो दोस्तों, तो वाई भी क्या आएगा, जीरो, यानी कि जो भी कर्व होगा वो जीरो से तो क्रॉस करके जा रहा होगा। अब वो इनको कट नहीं करेगा, जीरो को क्रॉस करके जा रहा होगा, तो मुझे लगता है कि वो कर्व कहीं ना कहीं कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी उस कर्व की, वो ऐसी होगी ना, क्योंकि इसको लाइन को टच नहीं करेगा और ओरिजिन से होके जाएगा और फिर इसको भी टच नहीं करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कर्व कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये मैंने कर्व ड्रा कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको मैंने, जैसे मैंने पहले बताया कि एक लेक्चर आपका कर्व ट्रेसिंग का मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया कर्व और ये हो गया इसके एसिम्प्टोट इस मेथड की हेल्प से। अब बात करता हूँ मैं दूसरे मेथड की, जो कि मोस्ट वैलिड मेथड है। मेथड टू, अब ये जो सेकंड मेथड है दोस्तों, इसमें हमें क्या बताया जाता है। देखो, इसमें ना आपको क्या करना है, आप इस इक्वेशन को, और ये इजी मेथड है सेकंड वाला, बहुत बहुत इजी, आप इस इक्वेशन को थोड़ा ना एक लीनियरिटी में लेके आओ। जैसे कि इक्वेशन लिखी है आपके पास, y इज इक्वल टू 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ठीक करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, ये बन जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y एंड इज इक्वल टू 2 ऑफ x। थोड़ा और ठीक करके लिखूँगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर, ये y दोनों में कॉमन है, तो इसको थोड़ा और ठीक करके लिख लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एंड वाई एंड माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब जब ऐसी इक्वेशन आपको मिल जाए, जो कि ऐसी ही इक्वेशन आपके एग्ज़ाम में आपको मिलती हैं, तो आप क्या करो, आप देखो कॉफिशेंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x और हाईएस्ट पावर ऑफ y, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या ढूंढने हैं, दो चीज़ें ढूंढनी है आपको, कॉफिशेंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ये लाइन नहीं भूलनी है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ y, और फिर आपको ढूंढनी है ऑफ x, दोनों की ढूंढनी है। तो फिलहाल y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और इसका कॉफिशेंट कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4, उसको रख दो इक्वल टू 0 और उसको सॉल्व कर लो, जो कि यहाँ पे आ रहा है 2 एंड माइनस 2, तो ये आपको मिलेंगे एसिम्प्टोट। ओके, ये आपको मिलेंगे एसिम्प्टोट, x इज इक्वल टू आ गया तो वर्टिकल एसिम्प्टोट है। हाँ, मगर अब देखो x की हायर पावर कौन है, 2, एक्स स्क्वायर है, तो उसका कॉफिशेंट कौन है, कोई है ही नहीं उसका कॉफिशेंट सिर्फ 1 ही है, तो उसको इक्वल टू 0 रखे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला ना, तो ये तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ, 1 इज इक्वल टू 0 तो बनेगी नहीं बात। तो एक्स वाई के हाईएस्ट पावर से हमें एसिम्प्टोट मिले 2 और माइनस 2, ऐसे भी ऐसे मिले थे और ये भी ऐसे ही मिले हैं, तो दो एसिम्प्टोट हमने फाइंड आउट किए। तो जो मेथड नंबर सेकंड है ना, इसको थोड़ा अच्छे से अडॉप्ट करो, क्योंकि ऊपर वाला जो मेथड है वो सिंपल इक्वेशंस में तो ठीक है, बट बहुत बड़ी बड़ी जब इक्वेशंस आएंगी उसमें हमारे लिए वो बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि मान लो मैंने इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड एक्स प्लस वाई एंड प्लस ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये इक्वेशन है आपके पास। अब इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में आप मुझे बताइए कि एसिम्प्टोट क्या होगा। अब देखो, पीछे आपने पुट किया कि x को मैं ये पुट करूं और y इनफाइनाइट आ जाए, जैसे x टेंस टू कुछ समथिंग a वैल्यू हो तो जी y टेंस टू इनफाइनाइट आ जाए, या फिर आपने कहा था कि
वाई टेंस टू मैं कोई बी करूं और एक्स टेंस टू इनफाइनाइट आ जाए, तो ये हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिल रहे थे। बट इसमें देखो कितनी डिफिकल्टी है, इट्स नॉट ईजी बाय दिस वे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमारा सेकेंड मेथड जो हमने अभी अडोप्ट किया था, अभी सीखा था, उसकी तरफ चलते हैं जो कि हमें ईजिली बता सकता है। तो इसमें क्या करो, इसमें भाई हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स और हाईएस्ट पावर ऑफ वाई ढूंढो, ठीक है। तो कॉफिशेंट ऑफ, देखो सबसे एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ जी कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ से मिलेगा आपको वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस के ए स्क्वायर, और इसको रख दो इक्वल टू जीरो। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस ए। तो ये मुझे एसिम्प्टोट मिल गया, दैट्स क्लियर। ये क्या मिल गया, एसिम्प्टोट मिल गया मुझे, दैट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो फर्स्ट थिंग यू गॉट नाउ। अब आपके माइंड में आएगा सर इस वाई की भी तो हाईएस्ट पावर होगी, उसको भी तो ढूंढो ना, वाई की हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो चलिए कॉफिशेंट ऑफ वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर, तो कॉफिशेंट ऑफ ढूंढिए, कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आएगा, कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट विल बी यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, एम आई राइट, और यहां पे आएगा माइनस ए स्क्वायर, और इसको भी रख दीजिए इक्वल टू जीरो। ये भी आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो कोई बात नहीं जी, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए भी एक एसिम्प्टोट आ गया, और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए भी एक एसिम्प्टोट आ गया। टोटल कितने एसिम्प्टोट हो गए, चार एसिम्प्टोट हो गए यहाँ पे टोटल, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे सर चार एसिम्प्टोट हैं, तो इसका भी एक लॉजिक आप समझिए कि एसिम्प्टोट कितने होते हैं। तो जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है ना, द नंबर ऑफ एसिम्प्टोट आर इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो अब आप इसकी डिग्री देखिए जरा क्या है, टू ये तो टोटल कितनी हो रही है, फोर हो रही ना। तो चार ही एसिम्प्टोट आने थे, तो चार ही एसिम्प्टोट आए हैं, एम आई राइट। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होते हैं, जितनी उस इक्वेशन की डिग्री होती है। अब जैसे आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा, इसमें इसकी डिग्री कितनी थी, ठीक है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपने सॉल्व किया तो हाईएस्ट पावर कितनी आई थी, टू आई थी ना। तो एसिम्प्टोट कितने आए, टू आए। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही एसिम्प्टोट आएंगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से नहीं कर सकते थे जो हमारा मेथड नंबर फर्स्ट था, तो इसलिए आपने सिंपली इसके किया कि जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशेंट को कंपेयर करो और एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर दो। अब फिर एक और समस्या इन फ्यूचर हमें जनरेट हुई कि अभी तक हम सिर्फ एसिम्प्टोट की बात कर रहे थे, उन एसिम्प्टोट की जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल हैं, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। बट क्या जरूरी है कि हमेशा ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ही एसिम्प्टोट मिलेंगे, इसके सिवा नहीं मिलेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हमें एक टाइप का और एसिम्प्टोट मिलता है जिसको बोलते हैं ऑब्लीक एसिम्प्टोट। तो ये ऑब्लीक एसिम्प्टोट वो होते हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना होके अलग ही होते हैं, ऑब्लीक एसिम्प्टोट। तो फिर इसका मतलब इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इनको फाइंड आउट करने का भी एक अलग तरीका है दोस्तों, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब ये ऑब्लीक एसिम्प्टोट ना, पहली बात मैं बात करूंगा ऑब्लीक एसिम्प्टोट तब, उस केस में जब मेरे पास कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब कैसे ढूंढते हैं इसको, इसका एक सिंपल सा रूल है कि आप ऑब्लीक एसिम्प्टोट, देखो एसिम्प्टोट मतलब स्ट्रेट लाइन। अब प्लस वन में आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आप कहेंगे सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन आप सबने पढ़ी रखी है, क्या होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बड़ी स्टैंडर्ड सी इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन की, यही एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी ऑब्लीक एसिम्प्टोट की। तो उसमें से हमें ढूंढना कौन है, एम और सी। तो इस केस में मेथड यह है कि एम क्या होगा और सी क्या होगा, एम होगा लिमिट x tends to infinite, always m will be this, okay, y by x, and what about c, or c होगा limit x tends to infinite and y minus mx, यानी कि इसका मतलब ये हो गया c में किसका यूज हो रहा है, m का। तो इसका मतलब ये है कि c निकालने से पहले हमें m निकालना होगा,
ठीक है, तो ये होगी एसम्प्टोट की इक्वेशन जो कि स्टेट लाइन की इक्वेशन होती है, और एसम्प्टोट एक स्टेट लाइन होता है, उसमें से m ये होगा y बाई एक्स एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और c ये होगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और y माइनस एम एक्स। ओके, तो चलिए कैसे कब और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, किस टाइप के क्वेश्चन हमें करने के लिए इस एसम्प्टोट इस पूरी जो ये प्रोसेस है ऊपर वाली, ये हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x इंटू e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस ऑफ x एंड डिवाइड बाई e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस ऑफ x। तो दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन है, मुझे इसका एसम्प्टोट ढूंढना है, दैट इज़ माई टारगेट। ओके, तो अब इसका एसम्प्टोट कैसे ढूंढें, तो सबसे पहला मेथड तो वही अभी हम बात करके आए थे कि वैल्यू एक्स की पुट करें वाई आ जाए, तो वो तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। दूसरा मेथड मेरे पास था कि हम हाईएस्ट पावर को कंपेयर कर लें, उसका कोएफिशिएंट ढूंढ लें, हाईएस्ट पावर भी यहाँ पे कोएफिशिएंट ढूंढना भी इट्स नॉट इजी क्योंकि ई की पावर एक्स आ गया, तो फिर उसके लिए मुझे इस ऑब्लिक एसम्प्टोट की अब जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो एसम्प्टोट होगा उसकी इक्वेशन बनेगी जी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें से अब मुझे ढूंढना है एम, और एम मुझे अभी बताया गया कि एम क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और वाई बाई एक्स। तो जैसे ही आपने वाई बाई एक्स किया तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लिखिए, तो यहाँ पे वाई बाई एक्स करेंगे, वाई बाई एक्स करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि आपके पास ई की पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई रेज टू पावर एक्स एंड प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। एम आर राइट हियर, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि लिमिट का कंसेप्ट जो है ना सबका बहुत स्ट्रांग होगा, तो इसको सॉल्व करना इट्स नॉट अ बिग टास्क। तो आप क्या कीजिए, ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ बनेगा ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स, सॉरी ये माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है, ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स, और अब इनफाइनाइट पुट करोगे तो देखिए क्या आएगा, वन बाई वन, और आंसर क्या आ जाएगा, वन। एम आई राइट हियर, तो किसकी वैल्यू आई दोस्तों, m की। तो यू गॉट हेयर वट m इज इक्वल टू वन, तो जैसे ही आपके पास m क्या आ गया, वन आ गया, तो अब हम c निकाल सकते हैं, और c को निकालने का मेथड क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और y माइनस एम ऑफ x। तो वट इज़ द y, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, आई होप सो कि अभी आप सॉल्व कर लोगे, y क्या वैल्यू थी, x इंटू ई रेज टू पावर x एंड माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड डिवाइड ई रेज टू पावर एक्स एंड प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स एम एक्स, एम की वैल्यू थी वन एंड इन टू में कर दीजिए एक्स। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सॉल्व कर सकते हैं आप, लिमिट निकाल सकते हैं, तो आपके पास एम भी आ गया, आपके पास सी भी आ गया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्या बताई थी मैंने, एसम्प्टोट की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एसम्प्टोट क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स, एम क्या है वन, तो वन ऑफ एक्स माइनस सी, तो सॉरी प्लस सी, तो सी मैंने बताया क्या है, जीरो। तो वाई इज इक्वल टू एक्स जो है ना ये एसम्प्टोट होगा दोस्तों, वाई इज इक्वल टू एक्स, हमारा आइडिया, वाई इज इक्वल टू एक्स, लॉजिक क्लियर हुआ। अब देखो इसमें ना एक एक लॉजिक और भी है, अब वो क्या है, अब जैसे मैंने ना यहाँ पे कॉमन लिया है नहीं ठीक है ओके सॉरी, तो मुझे यहाँ पे c की वैल्यू मिली वो जीरो आई, और मुझे यहाँ पे m की वैल्यू मिली और वो आई वन, और इस इन दोनों की हेल्प से मैंने यहाँ पे एसम्प्टोट की इक्वेशन निकाल ली, दैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स। ओके, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑब्लिक एसम्प्टोट। तो ऑब्लिक एसम्प्टोट में हमेशा क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान लेनी है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m उसमें ये होगा और c उसमें ये होगा, बस निकाल दीजिए। अब ये एक और समस्या आई कि जरूरी तो नहीं है कि एसम्प्टोट एक ही हो, एक कर्व के लिए एसम्प्टोट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर अभी और एक मेथड डेवलप किया गया। देखो हम कहाँ से शुरू किया था, हमने सिंपल स्टार्ट किया था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसम्प्टोट से। तो वर्टिकल एसम्प्टोट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एसम्प्टोट हो सकता है, फिर हमने कहा कि जी नहीं, एसम्प्टोट कोई ऑब्लिक भी हो सकता है। अब ऑब्लिक एक नहीं हो सकता, ऑब्लिक कई भी हो सकते हैं। तो अब जो बहुत से ऑब्लिक होने की कंडीशंस आई, तो उसके लिए अब हम करते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है। इसकी जो वर्किंग रूल है वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। तो ये है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये लास्ट क्वेश्चन है जिससे आपको बिल्कुल क्लियरेंस हो जाएगी
एसम्प्टोट के बारे में अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है. वाई क्यूब माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस वाई एंड प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो ये सबसे पहले कर्व होना चाहिए. तो कर्व मेरे पास आ गया, अब कर्व से क्या करें. जब कर्व आपके पास आ गया तो सबसे पहले आपको ढूंढने होते हैं दोस्तों एसम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, क्या ढूंढने हैं? एसम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सबसे पहला काम आपको यही करना है. तो अब ढूंढिए, एसम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है जी. अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरे पास कौन कौन से एसम्प्टोट हो सकते हैं और वो तरीका मैंने आपको बताया कि वो कैसे निकालते हैं हाईएस्ट पावर को कंपेयर करके. तो हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? क्यूब. और वाई की भी क्या है? क्यूब. तो आपको क्या ढूंढने हैं? कॉफिशेंट ढूंढिए, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब. तो वो आपको मिलेंगे कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें भी कॉन्स्टेंट है. ठीक है, उसमें भी कॉन्स्टेंट है. तो आप सिंपल लिखिए आर क्या है? कॉन्स्टेंट. और अगर ये कांस्टेंट है तो दैट इम्प्लाइज ये हो गया दैट देर इज नो एसम्प्टोट, एसम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. बात खत्म हुई. ठीक है ना, जब उसके कॉफिशेंट ही कांस्टेंट है तो फिर हम किसको कंपेयर करें, किसको इक्वल टू जीरो रखें, कोई वैल्यू नहीं आएगी. अब दूसरा टारगेट है हमारा निकालना कि एसम्प्टोट ऑब्लीक एसम्प्टोट. तो ऑब्लीक एसम्प्टोट निकालते हैं जरा. अब ऑब्लीक एसम्प्टोट कैसे निकालते हैं दोस्तों? ऑब्लीक एसम्प्टोट के लिए मैंने अभी आपको तरीका तो बताया था, बट ये देखो इसमें इक्वेशन, पहली बात तो आप ये देखो एसम्प्टोट आएंगे कितने, डिग्री कितनी है? तीन है. तो तीन एसम्प्टोट आएंगे. पहली बात, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो कोई है ही नहीं, तीन है, तीनों के तीनों ऑब्लिक हैं. अब एक एक होता एसम्प्टोट ऑब्लिक तो हम जाते उस वाले वाई इक्वल टू एम एक्स वाले मेथड पे, बट अब तीन है, तीनों ऑब्लिक हैं, तो अब वो मेथड तो एप्लीकेबल नहीं है. अब क्या करना है सुनो, अब आपको पुट करना है, हमेशा ये करना है. ठीक है, पुट करना है एक्स की वैल्यू तो वन और वाई इज इक्वल टू एम, हमेशा यही करना है. ठीक है, अब क्या करो, पूरी इक्वेशन में नहीं पुट करना, आपको करना है अलग अलग ऑर्डर के इक्वेशंस में, जैसे जो थर्ड डिग्री है, सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री में. ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो इन थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट डिग्री वाली टर्म्स के अंदर. ठीक है, और इक्वेशन नंबर वन में, ये है आपकी इक्वेशन नंबर वन, इनमें ये काम पुट करते हैं. तो चलिए देखो, सबसे थर्ड डिग्री है ना, तो थर्ड डिग्री में लिखता हूँ मैं फाई थ्री एम, फाई थ्री एम इसको, यानी कि आपको यहाँ पे वाई को एम पुट करना है और एक्स को वन पुट करना है. तो एक्स को वन हो गया, वाई को एम पुट करूँगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे, यहाँ तो वन आ गया, अगला क्या आएगा थ्री ऑफ एम, और लास्ट पे आएगा माइनस के फोर एम क्यूब, यानी कि वाई को एम पुट किया और एक्स को वन पुट किया, नथिंग एल्स. ओके, दूसरे पे चलो, अब सेकंड डिग्री वाले में चलो, सेकंड डिग्री वाली कौन सी है? कोई है ही नहीं, तो ये तो जीरो आ जाएगा. फिर आ जाइए फर्स्ट डिग्री वाली पे, फाई वन एम, फर्स्ट डिग्री वाली में कौन से हैं? सिर्फ यही हैं एक्स वाई. तो एक्स को तो वन पुट करना तो ये माइनस वन आ जाएगा, और वाई को एम पुट करना तो ये प्लस के आ जाएंगे एम. तो ये सभी आ गए. अब ना आपको क्या करना है, एसम्प्टोट ढूंढने की सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री वाली इक्वेशन है ना इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, यानी कि जो फाई थ्री एम लास्ट जो हाईएस्ट पावर वाली है इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ एसम्प्टोट. ठीक है, आर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाई थ्री एम इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो. सो दैट इम्प्लाइज आपने फाई थ्री एम को क्या कर देना है, इक्वल टू रख देना जीरो. अब फाई थ्री एम की इक्वेशन क्या थी, वन प्लस थ्री ऑफ एम और माइनस के फोर एम क्यूब, ये रख दिया मैंने इक्वल टू जीरो. अब है इसको सॉल्व करने का काम. ठीक है, इसको सॉल्व करना आई होप सो के सभी बच्चे इजीली कर लेंगे. मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वन माइनस एम ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्मूले से भी इसको आप खोल सकते हैं, और ये बन जाएगा वन प्लस फोर एम और प्लस फोर एम स्क्वायर. ठीक है जी,
इज इक्वल टू हो गया 0, और इससे आपको मिल जाएगा, ये तो है 1 माइनस एम का फैक्टर, इसको थोड़ा और फर्दर आप फैक्टराइज कर लीजिए और ये बन जाएगा 1 प्लस 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 0, राइट। और इस पूरी इक्वेशन से आपको मिलेगी m इज इक्वल टू 1 वैल्यू, और यहाँ मिलेगी m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, और फिर m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यानी कि ये दो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर रिपीट होते हैं तो क्या होता है और सिंगल होते हैं तो क्या होता है, यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ पे ना तीन एसिम्प्टोट, मैंने आपको बताया कि तीन एसिम्प्टोट बनने वाले हैं क्योंकि पावर 3 है, तो तीनों एसिम्प्टोट भी क्या होंगी, एक स्ट्रेट लाइन होंगी, यानी कि पहली लाइन क्या होगी ए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरी भी ये होगी, तीसरी भी ये होगी, बट अब तीन एम आएंगे तीन सी आएंगे, दैट्स ऑल, है ना, तीन एम तीन सी, तो तीन एम तो आ गई, अब बात आएगी तीन सी, अब तीन सी निकालने का रूल है, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले दोस्तों क्या करो, आपने लिखा था फाई, तीन इक्वेशन निकाली थी, एक फाई एम एक फाई थ्री एम, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, फाई थ्री एम निकाला था आपने, फाई थ्री एम का डेरिवेटिव कर लो। अब फाई थ्री एम तो ये था, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस के 12 एम स्क्वायर, और ये आएंगे प्लस के 3, थोड़ा इसको कॉमन लोगे तो चलो कॉमन बाद में ले लेंगे, फिलहाल इतना लिख दीजिए। एंड दूसरी थी फाई टू एम वाली, ठीक है, और एक बार इसका डबल डेरिवेटिव और कर लेते हैं, ठीक है, आपको अभी बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। तो ये बन जाएगा माइनस के 24m, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो दोस्तों, मेरे पास m की पहली वैल्यू क्या आई है, m इज इक्वल टू 1, इसके लिए मुझे c निकालना है, और c का रूल कहता है c इज इक्वल टू, अगर सिंगल वैल्यू आई है तो आप लिखोगे फाई n माइनस m, इसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये आपको सिंपली जो निकाली है ना वैल्यूज उन्हीं का यूज़ करना है, ठीक है, बस ये लिखने में थोड़ा आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करा देखो मैंने, फाई एन माइनस वन, एन क्या था, मतलब हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 थी ना, फाई थ्री एम, फाई थ्री एम से छोटा कौन होएगा, फाई टू एम, फाई टू एम क्या निकाला था आपने, देखो जरा फाई टू एम तो 0 ही था, तो जरा से 0 लिख दो, क्या दिक्कत है, अब 0 बाय में कुछ भी आएगा 0 ही होगा ना, तो कुछ भी एक्चुअली क्या ये 0 वाले का डेरिवेटिव है, तो कुछ भी आए यार 0 ही होगा, ठीक है, सॉरी n माइनस वन नहीं है, नीचे वाला n है, n आएगा ये वाला फाई थ्री डैश एम, ये माइनस 12 वाला, ठीक है, बट ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऊपर 0 आया तो नीचे तो 0 आना ही आना है, तो c एक c आ गया, एक m आया एक c आ गया, एक काम ख़त्म। अब दूसरे में ना m रिपीट हो रहा है, जब m रिपीट हो रहा है तो आप c ऐसे नहीं निकाल सकते, उस केस में आपको c निकालने के लिए थोड़ा सा अलग इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और वो इक्वेशन होती है सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 आएगा, फिर फाई थ्री है तो डबल आएगा, फिर प्लस सी स्क्वायर था अब सी आएगा, फाई थ्री था तो अब क्या आएगा फाई टू आएगा, और डेरिवेटिव एक आएगा, प्लस अब सी नहीं आएगा, अब आएगा फाई वन, और यहाँ पे एम एंड इज इक्वल टू 0। देखो इसको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी क्वेश्चन नहीं है, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर लिखो, टू फैक्टोरियल लिखो, फाई थ्री डबल डैश एम, ये निकाला था फाई थ्री डबल डैश एम क्या था, माइनस 24 एम, लिखिए माइनस 24 एम, प्लस सी का सी, फाई टू डैश ये तो 0 ही था ना, 2 डैश तो 0 आएगा, प्लस फाई वन एम, चलिए वापस फाई वन एम कितना था, फाई वन एम था माइनस 1 प्लस एम, तो माइनस 1 प्लस एम लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस 1 प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब आपको m की वैल्यू पता है, m किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के लिए, तो अब आप पुट कीजिए m इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ, जैसे ही आपने m इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ पुट किया तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये सी स्क्वायर बाई 2, और ये बन जाएंगे 12, और ये तो 0 हो ही गए, और ये होंगे माइनस 1 और माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, और टोटली बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4, और इससे मिल जाएगा आपको सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2, तो दो सी मिल गए आपको। तो अब देखिए एट द एंड मुझे क्या मिला, जब मेरे पास m इज इक्वल टू 1 था तो मेरे पास c की वैल्यू आई कितनी, 0, मेरे पास m इज इक्वल टू माइनस हाफ और माइनस हाफ थे तो c की वैल्यू आई एक बार हाफ और एक बार माइनस हाफ, तो सभी इक्वेशंस आ गई। अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है, एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, तो इन सभी में आप m और c पुट करते चले जाइए, आपके पास एसिम्प्टोट आ जाएगा। जैसे
पहला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 पुट किए c की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक एसिम्पटोट की इक्वेशन मिली दोस्तों, वन एसिम्पटोट इज दिस। ओके, फिर आगे पुट कीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें आएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या थी माइनस के हाफ, ओके x का x, और c की वैल्यू क्या आई थी एक बार आइए प्लस के हाफ। इसको भी सॉल्व करोगे अच्छे से तो मेरे ख्याल में बनेगा x प्लस में 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, और थर्ड आपका बन जाएगा दोस्तों x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास तीन एसिम्प्टोट आ गए जो आपको निकालने थे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्या करना है। देखो ऐसे कोई भी इक्वेशन आएगी ना, सबसे पहले आपको क्या करो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसम ढूंढो, और वो कैसे मिलेंगे, इनकी हाईएस्ट पावर को कोफिशेंट को इक्वल टू 0 रख लो। नहीं क्या इसमें बाई चांस कॉन्स्टेंट थे तो एसिम्प्टोट मिले नहीं। फिर क्या करना है, ऑब्लिक, ऑब्लिक के लिए ना आपको वाई को एम पुट करना है और एक्स को वन पुट करना है इसमें, और हाईएस्ट पावर से शुरू हो जाना। जैसे 3 है तो 5 3 एम आएगा, 5 2 एम आएगा, 5 1 आएगा, समय, और सबसे जो बड़ी पावर है उसको इक्वल टू रख लो 0, और इसे एम की वैल्यू निकाल लो। जैसे एम की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है,